जय गुरुदेव। जय माँ पद्मावती। दोस्तों, हमारे घर के आसपास अक्सर कई प्रकार के पौधे अपने आप पनप जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर अनुपयोगी मानते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ ऐसा ही आंक का पौधा होता है, जिसे आंकड़ा या फिर अकोआ आदि कहा जाता है। सामान्य से लगने वाला यह पौधा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है। इस पौधे में न सिर्फ ईश्वरीय आशीर्वाद दिलाने की बल्कि हमारे आसपास की नकारात्मकता ऊर्जा दूर करने की भी शक्ति समाहित होती है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ एक छोटा सा उपाय, गुरुदेव द्वारा बताया गया बहुत ही सरल सा उपाय है। हमारे जीवन में कैसा भी दुख हो, कैसा भी बीमारी हो, कैसा भी शत्रु भय हो, कैसी भी मुश्किलें हो, उससे हम मुक्त होंगे। ये उपाय है सफ़ेद आंकड़े के पत्ते का। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, एक सफ़ेद आंक का एक पत्ता लेना है। रविवार के दिन सूर्योदय के 12 मिनट के अंदर ये उपाय करना है। इस आंक के पत्ते में आपको सिर्फ नेगेटिव बातें लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, वो भी लाल पेन से, क्योंकि सूर्य को लाल रंग बेहद प्रिय है। जैसे आपके जीवन में बीमारी हो तो उस पत्ते पे आपको लिखना है बीमारी। अगर संकट हो तो उस पे लिखना है संकट। दरिद्रता हो तो उस पे लिखना है दरिद्रता। कर्ज है तो उस पे लिखना है कर्ज। दरिद्रता है तो सिर्फ उस पे लिखना है दरिद्रता। शत्रु भय हो तो सिर्फ लिखना है शत्रु। परेशानी हो तो सिर्फ आपको लिखना है परेशानी। कष्ट हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, जो भी हो, सब आप इसके ऊपर लिख सकते हो। और लिखने के बाद अब उसके ऊपर तिल का तेल लगाना है, और तिल का तेल लगाने के बाद उसके ऊपर कपूर डालना है। कपूर डाल के फिर उस पत्ते को जलाना है। तो दोस्तों, इस पत्ते को आप सिर्फ घर के बाहर ही जला सकते हैं। घर के बाहर जला के इसको हाथ नहीं लगाना है। फिर घर में आके स्नान करना है। तो दोस्तों, ये उपाय गुरुदेव द्वारा बताया गया है। आप भी इसे करके सब परेशानी से मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव लिखना ना भूलना।